डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं बीएसके विद्यासागर सिंह के चैनल। तो देखिए, आज की वीडियो है आप लोगों को 4 फरवरी वाले होने वाले एग्ज़ाम यानी केमिस्ट्री का, आप लोगों का क्लास 12वीं का, जो कि आप लोग को मैं कुछ इसमें वीवीआई गेस क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आप लोग को एग्ज़ाम में सीधा सीधा आ सकता है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो भी बताया था फिजिक्स के, तो उसमें भी बहुत से प्रश्न एग्जाम से टच किया हुआ था, और इस वीडियो से भी आप लोग जानिए सीधा सीधा 10 प्रश्न एग्जाम से टच करने वाला था। इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से और बारीकी से देख लीजिए और समझ लीजिए, और आप लोग इसका सारा प्रश्न अपने एग्जाम तक याद रखिएगा, तभी आप लोग सही कर पाएंगे। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का बटन दिया गया है, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए फटाफट, ताकि वो भी लोग जान जाएँ और वो भी लोग सही कर पाएँ। तो आप लोग जानते ही होंगे कि फिजिक्स का आज मैंने देखा है क्वेश्चन, तो उसमें से बहुत से प्रश्न टच किया है मेरे बताया हुआ, इसका भी टच कराऊंगा, फिक्स है ये, 100% गारंटी है। तो इस वीडियो से 10% टच करेगा, नहीं करेगा तो तब हमको कॉल बताइएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है, तो आप लोग जानिए जेडेन में HCP क्रिस्टल संरचना होती है, इसलिए पहला का घ हो जाएगा यानी सी हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में समझिएगा, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में समझिएगा, ठीक है। यहाँ दूसरा देखिए, दूसरा दिया गया है, प्रथम क्रम में प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो वेग स्थिरांक के लिए इकाई होता है समय इनवर्स यानी समय के पावर -1, यानी कह सकते हैं टी के पावर -1 लिख सकते हैं, या समय के पावर -1, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। दूसरा का ए कहिए या क कहिए, बात वही है। तीसरा देखिए, निम्न में कौन एक अवरोधक है, तो अवरोधक का कार्य कौन करता है, तो डायमंड यानी विद्युत अवरोधक होता है, यानी बिजली को प्रभावित नहीं होता है होने देता है, ये डायमंड यानी तीसरा का ग हो जाएगा यानी सी कह सकते हैं। चौथा देखिए, NaCl में सोडियम आयन Na+ आयन के सह संयोजन संख्या कितनी होती है, देखिए ये प्रश्न आप लोग को अवश्य ही आएगा, इसको याद रखिएगा NaCl में, तो आप लोग जानते ही होंगे, तो चौथा का आंसर हो जाएगा 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा घ यानी डी कह सकते हैं, चौथा का डी। पाँचवा देखिए, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हो जाएगा आप लोगों का कांच, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यानी ग में दिया गया है। तो छठवा देखिए, स्वर्ण संख्या सबसे कम होता है, तो आप लोग जानिए स्वर्ण संख्या सबसे कम होता है जिलेटिन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यानी क में दिया गया है। सातवां देखिए, सातवां दिया गया है आप लोग का, थर्माइट विधि में अचार्य के होता है, तो कौन सा होता है, तो ये होता है एल्यूमिनियम, यानी इसका आंसर हो जाएगा घ यानी डी कह सकते हैं, ठीक है। सल्फाइड एस के सांद्रण की विधि होती है। आठवां देखिए, तो आठवां का आंसर हो जाएगा आप लोगों का झाग प्लवन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, तो इसलिए क हो जाएगा आठवां का। नौवां देखिए, और हाँ, ये प्रश्न आप लोग याद रखिए, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन ये आने वाला है आप लोग के एग्जाम में, तो इसको ये ध्यान से देखिएगा, और भी 3 वीडियो मैंने बना दिया है, उसको अगर नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, 3-4 वीडियो और पहले से ही आया हुआ है, और इसको भी जान लीजिए। यहाँ पर देखिए, नवा क्वेश्चन कह रहा है, कैसी टेराइड एस्क है, कैसी टेराइड किसका एस्क है, तो आप लोग जो जान लीजिए एशियन का है, यानी दिया गया है ऑप्शन नंबर घ में यानी डी में, नवा का डी हो जाएगा। दसवां देखिए, सीने बार है, सीने बार क्या है, तो सीने बार हो जाएगा आप लोग को एच जी एस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है यानी क में। कार्बोजन किसका मिश्रण है, तो कार्बोजन किसका मिश्रण है, तो आप लोग याद किए होंगे, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो O2 और CO2 का मिश्रण है कार्बोजन, यानी 11 का सी हो जाएगा, ग हो जाएगा। इतना में किस में समन्वय संभव है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 12 का 4 यानी ख हो जाएगा यानी बी हो जाएगा, ठीक है। इतना में AP का प्रसंस्करण यानी प्रसंस्करण निकालने के लिए देगा ही देगा, ये फिक्स है, 100% लिख लीजिए प्रसंस्करण। अगर आप लोग नहीं सीखे हैं तो अभी नोट्स बुक निकालिए और ध्यान से देख लीजिए प्रसंस्करण कैसे निकाला जाता है, नहीं तो याद रखिए ये प्रश्न आने ही वाला है, हो सकता है कोई अणुसूत्र बदल दे यहाँ पे, लेकिन देगा ही देगा। 13 देखिए 13 का आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डी में दिया गया है D2SP3 यानी इसका घ आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। 14 देखिए 14 तो कह रहा है, निम्न में से संघनन बहुलक है, संघनन बहुलक कौन है, तो संघनन बहुलक है आप लोगों का डेक्रॉन, तो डेक्रॉन है, तो जो कि ऑप्शन नंबर घ में दिया है यानी डी में। नायलॉन 6-6 है, तो नायलॉन 6-6 कौन है, तो यहाँ जान लीजिए, तो नायलॉन 6-6 हो जाएगा आप लोगों का इसका आंसर पॉलिस्टर, यानी इसका आंसर ख हो जाएगा, ठीक है। 16 देखिए, निम्न में कौन जैव अपघटनीय बहुलक है,
तो ये देखिए ये प्रश्न आएगा ही आएगा, ये भी फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन जैव अपघटनीय बहुलक है। तो ये जान लीजिए नाइलॉन 6-6 है जो जैव अपघटनीय बहुलक है, जो कि 16 का हो जाएगा घ। यहाँ पे 17 देखिए एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन है जो एंटीसेप्टिक है, जो कि आंसर ग हो जाएगा यानी सी हो जाएगा 17 का। 18 देखिए एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक कौन सा है, तो 18 का इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोरेम फेनिकॉल, यानी इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को घ यानी डी हो जाएगा। 19 देखिए 19 दिया गया है कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है, तो पृष्ठीय परिघटना नहीं है आप लोगों को वैद्युत अपघटन प्रक्रिया, यानी इसका आंसर 19 का डी हो जाएगा यानी घ हो जाएगा। निम्न में कौन से आइसोडोफ्रोम परीक्षण नहीं देता है, तो इसका आंसर आप लोग जान लीजिए 20 का हो जाएगा ए, यानी एथेनॉल, एथेनॉल जो है आइसोड्रम परीक्षण नहीं देता है, इसलिए 20 का ए हो जाएगा यानी क हो जाएगा। 21 देखिए तो 21 हो जाएगा आप लोग को लैक्टिक अम्ल में काइरल कार्बन की संख्या होता है, तो काइरल संख्या की संख्या जब लैक्टिक अम्ल में देखेंगे ऐसे याद ही किए होंगे आप लोग, तो एक होता है, तो इसको याद रखिएगा, ये फिक्स है कि आने वाला है इस बार की परीक्षा में, तो ये याद करके जाइए ठीक है। 22 देखिए कार्पोलैक्टक किसका मोनोमर है, तो ये यहाँ पे देखिए 22 का ऐसे आंसर देखेंगे तो नाइलॉन 6 है, तो जो कि 22 का क हो जाएगा यानी ए हो जाएगा। यहाँ पे 23 देखिए 23 से विटामिन B12 में होता है, तो विटामिन B12 में होता है आप लोग जानते हैं कि C III, यानी आप लोगों को यहाँ पे हो जाएगा बी यानी ख आंसर 23 का। 24 देखिए 24 है थाइमिन, तो थाइमिन यहाँ पे 24 थाइमिन कौन सा है, तो यहाँ पे 5 मेथिल यूरेसिल, यानी आप लोग इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कह सकते हैं ठीक है। तो 25 के देखिए 25 दिया गया है आप लोग को स्टार्च में मोनोमेरिक इकाई है, तो मोनोमेरिक इकाई है ग्लूकोज, यानी इसका आंसर हो जाएगा 25 का ए। और हाँ अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, तभी आप लोग को आगे आने वाले वीडियो सारा मिलता रहेगा। और हाँ आप लोग एग्जाम के बाद भी जितना भी प्रश्न आता है आप लोग को उसका सलूशन करके मैं सही सही दे देता हूँ, एग्जाम के जस्ट 1 घंटे बाद यानी 1 घंटे के अंदर अंदर ही आप लोग को एग्जाम का सारा सलूशन आ जाता है, वहाँ पर चेक कर सकते हैं मिला सकते हैं, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा के रखिए, तभी आप लोग के पास वीडियो पहुँच पाएगा। यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न कर रहा है फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या देता है, तो ये देता है CO, यानी कह सकते हैं इसका आंसर घ होगा यानी डी होगा। 26 के 27 देखिए निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल बताना है, तो प्रबल अम्ल हो जाएगा HCOOH, यानी इसका आंसर हो जाएगा क यानी ए ठीक है। 28 देखिए 28 इसके क्वेश्चन दिया गया है इनमें कौन अत्यधिक क्षारीय है, अत्यधिक क्षारीय कौन है, तो अत्यधिक क्षारीय हो जाएगा आप लोगों को CH3 को होल टवाइज NH, यानी इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी ठीक है। तो देखिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने दोस्त के पास फटाफट शेयर कर दीजिए, और भी वीडियो दिए गए हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो मेरे चैनल पर क्लिक करके देख सकते हैं, चैनल का लोगो जहाँ पर दिया गया है मेरा वहाँ लोगो पर क्लिक करके आप लोग मेरे चैनल पर जा सकते हैं और सारा वीडियो देख सकते हैं ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।